तो कल कोई और ये दुस्साहस करेगा। ये राज्य की सुरक्षा और महाराज की गरिमा का प्रश्न है। हम आपके कथन का समर्थन करते हैं गुरुवर। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, आपका क्या मत है? क्या आपके लिए भी राज्य और राजा की सुरक्षा के ऊपर मित्रता है? आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। पंडित रामकृष्ण से त्रुटि हुई है। त्रुटि? ये तो अपराध है, अपराध। भ्रम तो कहेंगे तो पागे तो खोल खोल। गुरुवर, गुरुवर, हम एक बार फिर आपके कथन का समर्थन करते हैं। जी महाराज। अब आप ये निर्धारित करें कि पंडित राम क्या दंड है। राजद्रोह का दंड तो मृत्यु दंड होता है महाराज। परंतु हम जानते हैं महाराज, इन्होंने राज्य के हित में कई कार्य किए, तो इन्हें मृत्यु दंड ना देकर तत्काल प्रभाव से सदैव की राज दरबार से निष्कासित किया। नहीं नहीं, परंतु महाराज मैंने और हाँ, यदि इन्हें यह दंड नहीं दिया गया तो यह दंड हम स्वीकार स्वीकार या तो आप इनका बहिष्कार कीजिए या हमारा। सत्य कह रहे हैं गुरु, राजद्रोह एक अत्यंत गंभीर अपराध। हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि पंडित रामकृष्ण को अभी इसी क्षण से हमारे राज दरबार से निष्कासित किया। महाराज हमारा कहना सभा समाप्त। महाराज मंत्री भाई हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने महाराज के समक्ष ऐसा वार्तालाप किया कि पंडित रामकृष्ण को निष्कासित करवा दिया। अनर्थ हो गया। छोटे से उपहास ने राज्य के लिए तेरे किए समस्त कार्य व्यर्थ कर दिए। हाँ बंधु, त्रुटि तो मुझसे हुई है और इस बार संभवतः कुछ अधिक ही कर गया मैं। अब क्या करेगा रामा? आचार्य ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी है कि इस बार मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। Thank you.
जल्दी जल्दी हाथ चला। जो आज्ञा स्वामी, मैं तो इस घर का और आपका दास हूँ ना, तो घर में जितने भी कार्य हैं वो सब मुझसे करवा लो। हाँ ठीक है। देख रामा देख, कभी सोचा था तेरे ऐसे दिन आने वाले हैं? देख ले रामा, जिस पुरुष के पास काम नहीं होता ना, उसका घर पे भी सम्मान नहीं होता। तू सही कह रहा है बंधु, पहले कमाई के लिए पापड़ भेलो और जब ना कमा पाओ तो घर में इस तरह पापड़ भेलो। रामा, और पापड़ बेलने के अलावा तेरा और क्या काम है? अच्छा, हट हट हट, पापड़ बेलो पापड़ बेलो। हो गई शांति, मिल गया चैन, कर ली अपनी मनमानी। अब हमें इस घर से कब निष्कासित होना है ये भी बता दो। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो, इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। तुम तो ये बताओ कि तुम दोनों का झगड़ा समाप्त हुआ या नहीं? नहीं, हम मायके 7 दिन के लिए ही जाएंगे। 4 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए। 4 नहीं 7 4 7 4। बहुत चालाक बन रहे हैं, हमें विषय से भटकाओ मत। जल्दी बताइए क्यों किया आपने ऐसा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो भला करने गया था, अकारण ही फंस गया। सब अच्छा करने जा रहा था परंतु भूल से सब उल्टा हो गया। भूल से नहीं, ये आपका स्वभाव है और आपके स्वभाव के कारण ही आप हमेशा फंस जाते हैं। अम्मा कह रही है। हाँ। क्यों, हम कुछ नहीं कह सकते? आपको कुछ कहने का अधिकार केवल अम्मा के पास है, आपकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं। ये शारदा, तुम अपने युद्ध में मुझे क्यों फंसा रही हो? यही स्वभाव है जो हमेशा आपको फंसा देता है। नहीं, स्वभाव के कारण नहीं, खुजली के कारण फंसा हूं मैं। खुजली? आपको खुजली? हम अभी लेप लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे खुजली नहीं है, महाराज को हुई। और तुम्हें बताऊं महाराज की खुजली क्या है? मैं स्वयं पंडित रामकृष्ण महाराज की खुजली है। जब तक वो मुझे नोच नहीं लेते, खरोच नहीं लेते, उन्हें आराम नहीं मिलता ना। पंडित रामकृष्ण को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित कर दिया जाए, पंडित रामकृष्ण को कारागार में डलवा दिया जाए, समस्या है कुछ? अब आप क्या करेंगे? मैं नहीं, ये सोचो कि महाराज क्या करेंगे, क्योंकि मैं यानी कि उनकी खुजली तो यहाँ है, पापड़ बेल रहा हूँ। प्रश्न ये उठता है कि महाराज वहां किसे बेल रहे हैं? निष्कासित कर देंगे हम आप सभी को, निष्कासित कर देंगे। ये हो क्या रहा है हमारे राज्य में? ये कैसे खड़े हैं आप? ठीक से खड़े रहिए, जाइए यहां से, जाइए। सबको निष्कासित कर देंगे, मूर्ख। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, आज प्रातः काल से आप दोनों हमें दृष्टिगत नहीं हुए। कहाँ भ्रमण कर रही है, अवकाश पर गई थी कहीं? महाराज, हम तो प्रातः काल से यही हैं, पीछे खड़े थे हम। पीछे ही थे, पीछे ही थे, इससे क्या तात्पर्य है आपका देवी? हाँ, हमारे नेत्र तो हमारे आगे है ना, पीछे तो है नहीं हमारे दो नेत्र। है पीछे, देखिए आप, पीछे नेत्र है हमारे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु प्रातः से ही आपकी मनस्थिति कुछ विचलित है। आप सभी पर क्रोधित हो रहे हैं, सभी के कार्य में त्रुटियां निकाल रहे हैं। महाराज, क्या समस्या है? समस्या है तभी तो ऐसा कर रहे होंगे हम, है समस्या। प्रातः काल हम पूजा के लिए बैठे थे, पुष्प चाहिए थे, लेकिन पुष्प प्रदान नहीं हुए हमें। हमारी पूजा अर्चना अधूरी रह गई है, हमारा मन तब से विचलित है। कहिए, समस्या तो है ना? और जिस प्रकार हमसे सब व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बात को सब अनसुना कर रहे हैं, ये हमारी सहन शक्ति के परे है। इस प्रकार राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे? महाराज, महामंत्री जी आइए, हमने आपको एक कार्य सौंपा था, क्या हुआ उस कार्य का? कैसा कार्य महाराज? कैसा कार्य महाराज, अब हम आपको बताएंगे कि हमने आपको कौन सा कार्य दिया था। आपके महाराज है या आपके निजी सहायक?
हमने आपसे कहा था कि हमारी सेना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस विषय में आपने क्या किया है महामंत्री? जी हाँ महाराज, आपने ये आदेश दिया था, परंतु इसके उपरांत आपने ये भी आदेश दिया था कि एक धनुर्धरों की स्पर्धा का आयोजन किया जाए जिसमें से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करें। श्रेष्ठ धनुर्धरों का चयन तो होगा, परंतु साधारण धनुर्धरों का चयन भी तो करना होगा, उसका क्या? कोई कार्य, एक भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है आपसे। आप चिंतित न हो महाराज, आपके निर्देश अनुसार सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुनिश्चित की जाएगी। आज प्रातःकाल हम पूजा कर रहे थे, हमें पूजा के पुष्पों की आवश्यकता थी, वो पुष्प हमें नहीं मिले। क्यों? जाइए पता लगाइए कि इसका अपराधी कौन है और उसे हमारे समक्ष राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, हम उसे दंड देंगे। महाराज निष्कासित कर देंगे सब। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं महामंत्री जी, आज प्रातः काल से ही महाराज कुछ विचलित हैं। हमारी समझ में सब कुछ आ गया है महारानी जी, आज पंडित रामकृष्ण महाराज के सानिध्य में नहीं है तो उनकी कमी उन्हें खल रही है। पता नहीं आज राज दरबार में क्या होगा, महाराज का क्रोध सभी पे बरसेगा। हे भगवान रक्षा कीजिए। आज विजयनगर का दरबार कितना उत्तम और भव्य प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्राचीन दिवस पुनः लौट आए। क्यों महामंत्री जी? महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 प्रणाम महाराज। गुरुवार जी महाराज, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप हमें। हमें प्रतिदिन इसी सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? क्यों अनिवार्य है हमारा यहाँ बैठना? महाराज वो, हाँ वो विजयनगर राज्य के महाराज हैं आप, तो राज्य के राज सिंहासन पर तो महाराज को ही बैठना होगा, और कौन बैठेगा? गुरुवर आपको हो क्या गया है? आप हमारे कथन का अर्थ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमें प्रतिदिन इस सिंहासन पर क्यों बैठना पड़ता है? हम यहाँ के राजा हैं, तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। हाँ होना चाहिए महाराज, आपको भी विकल्प प्राप्त होना चाहिए। आप आदेश कीजिए, हम आपके लिए वो 10-12 भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न आकारों के वो राज सिंहासन बनवाने का आदेश दे देते। तो ये विचार पहले आपको क्यों नहीं आया गुरुवर? आप चाहते क्या है कि हम विनती करें, गिड़गिड़ाए, तभी जाके कोई कार्य होगा यहाँ पर? आपका भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं गुरुवर? आज इतने बड़े दरबार में पहली बार इतना क्रोधित होकर महाराज ने अपने बुड्ढे को डांटा। सही कह रहा है, आज का दिन कितना शुभ है ना। शुभ आन ग्रहण कीजिए महाराज। हम कैसे? वैसे ही जैसे प्रतिदिन बैठते हैं गुरुवर। दान ग्रहण कीजिए, ये हमारा आदेश है। गुरुवार कहाँ प्रस्थान किए जा रहे हैं आप? सिंहासन को बैठने के लिए महाराज, आपने तो कहा। अद्भुत गुरुवार, अद्भुत। आइए आइए, आप ही बैठ जाइए सिंहासन पर। हमारी ये राज सी पगड़ी भी आप ही पहन लीजिए। आपका राज अभिषेक, राज तिलक सभी कर देते आप यहाँ बैठे और हम चले जाते वनवास में। आपको हो क्या गया है गुरुवर? आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए। आज प्रातःकाल से ही कुछ सही नहीं हो रहा है। कौन है जिसने हमारी पूजा अर्चना, हमारे अनुष्ठान में बाधा डाली? कौन है जो हमें पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका? महाराज उसे प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज ये रमन्ना है, प्रातःकाल आपके पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध करना इसका दायित्व है, परंतु आज ये अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाए। पुष्प क्यों उपलब्ध नहीं हुए? मेरा कोई अपराध नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें।
आज पुष्प देने वाली सावित्री पुष्प लेकर महल में आई ही नहीं, इसी कारण मैं पूजा गृह में पुष्प उपलब्ध नहीं करा सका। सावित्री को प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं? महाराज आपको तो ज्ञात ही है, वो मेरी सहेली सरला जो यहाँ मछली लेकर आती है। हाँ हाँ अवश्य, राजा है हम विजयनगर के, आप प्रजा है तो नाम पता सभी ज्ञात होना चाहिए हमें। आपकी सहेली सरला, दूसरी सहेली अचला। अचला नहीं महाराज, उसका नाम कमला है। पुष्प उपलब्ध क्यों नहीं हुए? सरला खा गई, सावित्री खा गई, कौन खा गया? खा नहीं गई महाराज, आ गई। वो मेरे घर मछली का टोकरा लेकर आ गई और वहीं रुक गई। मछली की गंध से मैं सारी रात सो नहीं पाई, प्रातः काल आँख लगी फिर उठ नहीं सकी और पुष्प भी एकत्रित नहीं कर पाई। महाराज इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। सरला को प्रस्तुत किया जाए। हमें क्षमा करें प्रभु, आपके कारण सावित्री सो नहीं पाई और उस कारण वो रमन्ना को पुष्प नहीं दे पाई और रमन्ना हम तक पुष्प नहीं उपलब्ध करा पाए। अब आप बताइए आप दोषी हैं कि नहीं? अब देखो हम क्या करते हैं, देखो हमारी बुद्धि का चमत्कार। महाराज ये सरला की त्रुटि नहीं अपितु इसका षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र गुरुवार, स्पष्ट कीजिए। महाराज समस्त विश्व को विदित है कि पुष्प की गंध सभी को प्रिय होती है किंतु मछली की नहीं, और सब कुछ जानते हुए भी ये मछली लेकर पुष्प वाली के यहाँ गई जिससे मछली की गंध से वो सो ना पाए, अंततः आपके अनुष्ठान में व्यवधान पड़ जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर, हमारी पूजा में विघ्न डालकर सरला को क्या लाभ होगा? आपको हो क्या गया है गुरुवर? जैसे सावित्री देवी को पुष्पों के गंध से निंद्रा आती है ठीक उसी प्रकार सरला देवी को मछली की गंध से निंद्रा आती होगी। ये उनका स्वभाव है, सभी का अपना अपना स्वभाव होता है, होता है कि नहीं? होता है, होता है। गुरुजी आज तो आप बैठ जाइए और अपना मुंह बंद रखिए, अन्यथा मुंह की खाएंगे आप। बैठ जाइए। हाँ तो सरला देवी आप स्पष्ट कीजिए मछली लेकर आप वहाँ रुकी क्यों? क्या करती महाराज, मछली से हमारा जीवन यापन होता है, हम उसे फेंक नहीं सकते थे, वहाँ रुकना हमारे लिए अनिवार्य हो गया क्योंकि वो चंद्रिया नहीं आया ना, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रिया कौन है? वही बैलगाड़ी वाला जिसकी बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं, फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए कौन है वास्तविक अपराधी, अन्यथा हम सभी को दरबार से निष्कासित कर देंगे। एक सौभाग्यवती स्त्री का विवाह के उपरांत गर्भवती होना तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें ये अपराधी कैसे हुई? अपराधी हुई? हाँ महाराज। नहीं 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 महाराज। और गुरुवर कौन से शास्त्र में पढ़ा है आपने ये सब? हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि आपको कुछ हो गया, और हमारे विचार से आपको अभी अपने आवास जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं, हम स्वस्थ। तो फिर बैठ जाइए अपने स्थान पर। जी लगता है महाराज आज कुछ अप्रसन्न है, कहीं हमें निष्कासित न कर दे। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना, अब आप सबको ये निर्धारित करना है कि वास्तविक अपराधी कौन है। आपकी मन स्थिति और कौन? कुछ कहा आपने? नहीं 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 महाराज कुछ नहीं कहा। बताइए शांत क्यों हो गए? दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए कौन है वास्तविक अपराधी? रमन्ना अपराधी है महाराज। सावित्री अपराधी है? नहीं महाराज चंद्रिया अपराधी है। मछली वाली सरला प्रभु? आप सभी का निष्कर्ष अनुचित है और हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय
आप सभी को इसी क्षण इस दरबार से निष्कासित करते हैं। चले जाइए। धनमणी कहाँ गए? महाराज, महाराज हमें क्षमा करें, अति आवश्यक कार्य है। विजयवाड़ा में एक समस्या आन पड़ी है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए महाराज। दुर्वार जी महाराज, आप बताइए हमें, पंडित हैं आप, हमारे गुरु है, आचार्य है विजयनगर राज्य के, बताइए कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी? महाराज हमारा आपसे निवेदन है, आप हमें एक दिवस का समय दे दीजिए, हम वास्तविक अपराधी को अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक दिवस का समय उचित है गुरुवर, हम आपको एक दिवस का समय देते हैं और एक दिवस के पश्चात आप हमको बताएंगे कि इनमें से वास्तविक अपराधी कौन है। धन्यवाद महाराज। क्या करेंगे पंडित रामकृष्ण मियानी, अन्यथा मुझे फंसा देते। अम्मा से पूछिए उन्हें क्या खाना है। तुम ही पूछ लो, वो कहेंगी लड्डू, मैं समझूंगा हलवा। हम उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे। अरे पर माँ क्या खाओगी? ये क्या होता है? अम्मा अकेले इतने बड़े नहीं होते, काट के खाने पका के। अरे मदिरा पियोगी अम्मा? अरे बस 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 अम्मा, बहुत हुआ ये मौन व्रत, आज से तुम्हारा मौन व्रत समाप्त। और शारदा महोदया, तुम्हारा मौन व्रत आज से शुरू। ना देखती हो ना समझती हो कि पति कितना चिंतित है, बस उलाहने देना आरंभ कर देती हो। तुम्हारा तो ना बोलना ही बेहतर है। नहीं बस, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे यहाँ इतनी भूख लगी है और इनका ये झगड़ा ही समाप्त नहीं होता। अरे पति की भूख का कोई महत्व नहीं है। ये गुंडप्पा, इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, बड़ा चतुर बना फिरता है। मैंने क्या किया? वही तो समस्या है, मैंने क्या किया? तू कुछ करता ही नहीं है, दिन भर बस क्रीड़ा 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 और उल्टी पुल्टी बातें। अब यदि कोई भी शरारत की ना तो वृक्ष पर उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूँ। खुजली केवल महाराज को नहीं, इन्हें भी महाराज की खुजली है। सही कह रही हैं आप अम्मा, दरबार से निष्कासित कर दिया है इसलिए गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। महाराज आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आपने राज दरबार से सभी को निष्कासित कर दिया। हम जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। यदि तक आचार्य तथा आचार्य आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो आप उन्हें भी निष्कासित कर देंगे? हाँ निष्कासित कर देंगे। परंतु महाराज यदि आप सभी को निष्कासित कर देंगे तो आप इतने बड़े राज्य का कार्यभार कैसे संभालेंगे? उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम जो कर रहे हैं आवश्यक है, अति आवश्यक है। सभी ने परिहास समझ लिया है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं सब। तो हम कर रहे हैं ये सब के लिए सबक है,
पंडित रामकृष्ण के लिए भी और सभी सभासदों के लिए भी। यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो कौन है दोषी? ये ज्ञात नहीं हुआ तो उत्तर भी अवश्य मिलेगा और सभी को सबक भी। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? महारानी चिन्ना देवी, ये तो शाश्वत सत्य है। मनुष्य को जब भी प्यास लगती है वो कुएं के समीप ही जाता है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी उस वांछित अपराधी के बारे में? ना पहले हमें ये बताओ, दरबार में हमें अकेला छोड़कर कहां पलायन कर गए थे? गुरुजी, अगर दरबार से पलायन नहीं करते तो और दरबारियों की तरह दरबार से निष्कासित हो जाते ना, इसलिए। और नहीं तो क्या गुरुजी, आपके भरोसे रहते तो निष्कासित हो ही जाते। आपको भी भला कहां गया था महाराज के प्रश्न का उत्तर? सत्य है आचार्य, यदि आपने उत्तर दे दिया होता तो मैं भी निष्कासित होने से बच जाता। अभी चुप करो, सब कह सब चुप करो, हमें भी तो उत्तर ही चाहिए। गुरुदेव, आपने हमें यहाँ अचानक उपस्थित होने का संदेश किस प्रयोजन से भेजा है? महाराज के प्रश्न का उत्तर और वास्तविक अपराधी के नाम जानने के लिए हमने आवश्यक बैठक बुलाई है। अब आप महामंत्री बताइए, आप कौन है अपराधी? आचार्य, यदि हमें यह उत्तर ज्ञात होता तो अति आवश्यक कार्य का कारण देकर हमें राज दरबार से भागना नहीं पड़ता। और चतुर है आप। धन्यवाद आचार्य। महामंत्री जी, यदि हमने महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कल दरबार से हमारा निष्कासन भी निश्चित है। क्या करें हम? गुरु माता के साथ विश्व भ्रमण पर जाएं गुरुदेव? ए भगवान, महामंत्री जी, हमने निष्कासन के बाद क्या करना है ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे। निष्कासन से कैसे बचा जाए ये प्रश्न पूछा है आपसे। इसका एक ही उपाय है आचार्य। क्या? केवल एक ही व्यक्ति है जिसे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ गुरुजी, आपको भी भली भांति ज्ञात है ना कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर है किसके पास, है ना? पूरे विजयनगर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल होता है गुरुजी। होगा, हमें स्मरण नहीं है। सोचिए गुरुवर। सोचिए गुरुवर। सोच लिया है। हमारा विचार है कि हम स्वयं वास्तविक अपराधी का पता लगाएंगे। हर मत करिए गुरुवर। बुलवाइयों में कदापि नहीं, हमारा निर्णय कदापि परिवर्तित नहीं होगा। स्वामी, क्या असली अपराधी का पता कैसे ज्ञात होगा? इसका उपाय हमें ज्ञात है। तुम्हें? जी। बहुत अच्छा, बताओ कैसे? बस आपके गले में रस्सी बांधनी पड़ेगी। हमें फांसी पर लटकाना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आपके गले में रस्सी बांधकर आपको कुएं में लटका देंगे बीचो बीच। उसके बाद आपको जल में डुबो देंगे, इससे आपको मस्तिष्क शीतल होगा और आप स्वयं तोड़ पाएंगे कि असली अपराधी कौन है। मस्तिष्क नहीं, हम पूरे के पूरे शीतल हो जाएंगे। हाँ। मस्तिष्क के साथ साथ शांत हो जाएंगे सदैव सदैव के लिए। हाँ। हम ऐसी हैं। रामा रामा। अब समझे गुरु जी, यही उचित है। राम का नाम लेने से ही समस्या का हल प्राप्त हो पाएगा। जी गुरु जी। हम कल प्रातः काल पंडित रामकृष्ण के निवास पर जाएंगे, अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। आचार्य, हम कब से आपसे यही तो निवेदन कर रहे थे। देखिए, आप स्वयं पंडित रामकृष्ण के आवास पर जाकर उनसे निवेदन कीजिए, तभी वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हाँ, परंतु हम अकेले नहीं जाएंगे, आप सब भी हमारे साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। ठीक है। आ, आ, आ,
सिर पे काव 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 करे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। दादा लगता है उस कवे को भी निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए केवल काव काव कर रहा है। कौवे का काव काव करने का मतलब है कि कोई अतिथि आने वाला है, शारदा के घर से ही कोई आने वाला होगा। हमारे परिवार में आने के लिए कोई जीवित तो रहा नहीं। तुम दोनों के चेहरों के भाव से लग रहा है कि तुम्हारे बीच का युद्ध समाप्त हो गया है, बोलचाल फिर से आरंभ हो गई। नहीं, अब क्या करेंगे? तुम दरबार से निष्कासित होके यहाँ पर घर पर बैठे हो, हम सब पर चिल्ला रहे हो, इसलिए हमने अपना झगड़ा एक अंतराल के लिए स्थगित कर दिया है। अवसर मिलने पर पुनः प्रारंभ कर लेंगे। अली लामा, वो दत्ताचार्य और सब लोग आए हैं। हैं? ये सब यहाँ? अम्मा, अतिथि नहीं, पूरी बारात आ रही है, इनकी आवभगत करते हैं। चलिए, आप सब यहीं ठहर जाइए, आपको भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनी मनी। जी गुरुजी। इधर जाओ, पंडित रामकृष्ण को सूचित करो, उसे कहो कि आचार्य तथाचार्य पधारे। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है गुरुजी, हमें ही अंदर प्रवेश करना होगा, पंडित रामकृष्ण बाहर आए ऐसा तो हो नहीं सकता, इससे अच्छा हम वापिस चलते। चलिए। नहीं 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 गुरुजी, मनी तो मुंह रखे, आप ये सोचिए कि अगर महाराज को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो आपको भी दरबार से निष्कासित कर सकते हैं। चलते। आप ये ग्रहण कीजिए, हम अभी भोजन का प्रबंध करके आते हैं। जी। तो सारा प्रकरण इस प्रकार है, महाराज को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए और वास्तविक अपराधी की पहचान भी। चलिए चलिए पंडित रामकृष्ण, उठिए और तत्काल वस्त्र धारण कर हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, चलिए चलिए और शीघ्रता से चलकर महाराज की समस्या हल कीजिए। यह हम राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कह रहे हैं, उठिए। ओहो हो गुरुवर, मैं आपके साथ चल तो लूं, परंतु क्या करूं, थोड़ा लाचार हूं। अब ये झूला रुके तो मैं नीचे उतरूं, मैं नीचे उतरूं तो मैं जाकर तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो फिर मैं आपके साथ चलूं ना, परंतु क्या करूं, ये झूला रुकता ही नहीं, क्यों है गुंडप्पे? झूला रुक नहीं रहा है। झूला नहीं रुक रहा है, क्या तात्पर्य क्या है आपका? है गुरुजी, क्या है? जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये झूला कभी रुकने वाला है। गुरुजी, ऐसे आप अनुरोध करेंगे? इतनी प्रेम से अनुरोध कीजिए ना, कमर झुका के झूला रोकिए गुरुजी। यदि झूला नहीं रुका तो ना आपके पास कल झुकाने के लिए कमर होगी और ना बोलने के लिए गला होगा। वो सोचिए फिर सुदामिनी देवी का क्या होगा, जो आपके सहारे जीती है, जिसके सहारे आप जीते, फिर तो उसे किसी और सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। कमर झुकाई, रोकी झूला। पंडित रामकृष्णा। जी गुरुवर। हमारा आपसे निवेदन है, आप झूले से उतरिए, हमारे साथ चलिए और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अन्यथा आपके जीवन पर, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम सबके जीवन पर और सम्मान पर विपत्ति आ जाएगी, समझ रहे ना आप? अब देखिए, ये बेचारा कोतवाल निष्कासित हो चुके हैं, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, विचार कीजिए। अब क्या हुआ? नहीं गुरु, महाराज के प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है। ऐसा मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास हो, कृपया करके चलिए ना। जी, प्रश्नों के उत्तर मस्तिष्क में आते तो है, परंतु फिर
चले जाते हैं। एक उपाय है, यदि आप मेरे कहने पर एक कार्य करें तो संभवतः मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। आदेश दीजिए पंडित रामकृष्ण, आज आप बस आदेश दीजिए। आप जो भी कार्य जिस भी प्रकार करने को करेंगे, हमारे गुरुजी वही कार्य उसी प्रकार करेंगे। क्या करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे चलेंगे आप? पालकी पर लेके जाए, पालकी उठाए उस पर लेके जाए आपको? तभी तो गुरुवर आपको सब इतना बुद्धिमान समझते हैं, यही तो वो कार्य है। आप चारों पालकी में मुझे बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए राज दरबार पे लेके चलेंगे। पूरे रास्ते मेरा गुणगान करेंगे, मेरी जय जयकार करें, मेरे लिए एक भजन भी गाया जाए। फिर राज दरबार में पहुंचकर मुझ पर पुष्पों की वर्षा की जाए, मेरी आरती उतारी जाए, मेरा मनपसंद शरबत भी मुझे पिलाया जाए। तब कहीं जाकर मुझे प्रश्नों के उत्तर और वास्तविक अपराधी का नाम कदाचित सूझ सकता है। कुछ अधिक तो नहीं हो गया? ऐसा क्या? आप प्रस्थान कीजिए, आप जो बोलेंगे ये सब कुछ करेंगे। जी। ये नगर में प्रिय है एक नाम, विजय नगर में प्रिय है एक नाम, ये सबके बिगड़े काम बना दे, सबके बिगड़े काम। कौन है वो, कौन 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 है वो, कौन कौन वो? रामा कृष्णा, रामा कृष्णा, राम नाम सत्य आचार्य। अरे ठीक से गाइए, अगर पंडित रामाकृष्ण को पता चल गया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे भगवान, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा। हे भगवान, पीड़ा से हमारा शरीर टूटा जा रहा है। गुरुजी नैया पल की पार लगाएगी, कहीं गुरुजी के जीवन की नैया ना पार लग जाए। हमारे गुरुजी को इतना भारी बोझ उठाने की आदत नहीं है ना, बुढ़े हो गए। आचार्य, पालकी उठाए रखिए, अन्यथा रामा कृष्णा का मन बदल जाएगा। गुरुवर, पालकी उठा रहे हैं। महाराज की जय हो। इनसे पालकी उठाने का दुस्साहस किसने किया? युवक, वो पालकी देख रहे हैं आप? उस पालकी में जो भी व्यक्ति बैठा है उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलना चाहिए। जाइए उसे उस पालकी से उतारिए और उसे इतना मारिए कि आज के पश्चात वो कभी किसी पालकी में बैठने के योग्य ना रहे। जाइए। जो आज्ञा हो महाराज। हे मां काली, रक्षा करना। अभी कौन सा संकट है जो माँ काली को स्मरण कर रहा है? बंधु, संकट वहाँ ऊपर वातायन पर है। महाराज ने गुरुवार को मेरी पालकी उठाते हुए देख लिया है, अब तो वो शिखा पकड़ के मारेंगे। रामा, तेरा हर दंड मुझसे ही क्यों प्रारंभ होता है? चुप कर, वाताला बनकर पालकी से उतरना होगा। गुरुवार, गुरुवार, पालकी रोके, पालकी रोके, रुकी रुकी। अरे मर गए, मर गए। गुरुवर, क्या है? बैठिए। कहाँ बैठिए? पालकी में गुरुवर, और कहाँ, अब पालकी मैं उठाऊंगा। पंडित रामाकृष्ण क्यों उपहास कर रहे हो हमारे साथ? गुरुवर, मेरा मुख देखिए, कितना गंभीर हूँ मैं। आप महान हैं, महापुरुष है, महाज्ञानी है, अंतर्यामी है, तो आप जैसे महापुरुष को पालकी में बैठना चाहिए और मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य मनुष्य को पालकी उठानी चाहिए, अतः पालकी मैं उठाऊंगा। बैठ जाए। हाँ अवश्य। भगवान, भगवान। रुकिए, रुकिए, पालकी उठाना मत, इसी में है वो जिसे महाराज ने दंड देने का आदेश दिया है। मारो। रुके रुके रुके, मत मारिए,
महाराज ने इसे दंड देने का आदेश दिया है, हम उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते। हमें मारोगे, हमें मारोगे, जानते हो कौन है हम? गुरुदेव आप क्षमा कीजिए। गुरुदेव मूर्ख, चलो आप सब पालकी उठाओ। क्षमा कीजिए पंडित जी, आप दरबार से निष्कासित हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। लेकिन हम तो निष्कासित नहीं है ना, हम राजपुरोहित तथाचार्य आज्ञा दे रहे हैं। धाइए पालकी। जी गुरुवर। बैठिए जी। धाइए। रुकिए, मैं राज दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? शांत गुरुवर, शांत। कदापि आप भूल रहे हैं कि मेरा निष्कासन आप ही ने करवाया है। अब यदि मैं भीतर गया तो महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा ना। हे भगवान। रुकिए, हम अभी आते हैं। प्रणाम आचार्य। महाराज की जय। क्या हुआ गुरुवर, आप इस अवस्था में? हुआ क्या है गुरुवर, आप अस्त व्यस्त लग रहे हैं। नहीं कुछ विशेष नहीं महाराज, वो थोड़ी पीड़ा है कमर में। सत्य बताए गुरुवर, आपसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? पालकी? किसने उठाई पालकी? हमने नहीं उठाई पालकी। महाराज ये अवश्य समझने में भूल हुई, हम तो पालकी के अंदर बैठे थे। हमें प्रतीत हुआ के पालकी गुरुवर ने उठाई थी। हमारा आपसे एक निवेदन है महाराज। कहिए। निवेदन ये है महाराज के पंडित रामाकृष्णा पर दरबार से निष्कासन का आदेश निरस्त कर दिया जाए, उन्हें उनके अपराध का दंड पर्याप्त मिल चुका है महाराज। अब उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मिल जानी चाहिए महाराज। नहीं, हम पंडित रामकृष्ण को भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे। महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण ने अनेक अवसरों पर इस राज दरबार की समस्याओं का समाधान किया है, तो एक अवसर तो उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए महाराज। जी, और आपके प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे। अर्थात? हमारा तात्पर्य है महाराज कि आप तो प्रवृत्ति से दयालु हैं, आपने सदैव क्षमा करने की मंशा रखी है, तो पंडित रामकृष्ण को भी क्षमा कर ही दीजिए महाराज। ठीक है गुरुवर, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं, इतनी अनुशंसा कर रहे हैं, तो हम पंडित रामकृष्ण को दरबार में आने की अनुमति दे देते हैं। महाराज, देखते हैं हम भी क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जी महाराज। मंत्रीवर। महाराज, पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, पंडित रामकृष्ण आपके समक्ष एक विशेष ढंग से उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति दी जाए महाराज। वो जैसे भी आना चाहते हैं उनको आने की अनुमति है, हमें बस हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, हमने महाराज से अनुरोध करके दरबार से आपका निष्कासन निरस्त करवा दिया है, अब चलिए अंदर और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, आपने कह तो दिया गुरुवर, परंतु मुझे विश्वास नहीं, मैं कैसे मान लूं कि महाराज ने मेरा निष्कासन निरस्त कर दिया है। हे भगवान, क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? गुरु जी, आप पर तो आपको स्वयं विश्वास नहीं है, किसी और को भला क्या होगा। पंडित रामकृष्ण, आप दरबार में प्रवेश कर सकते हैं, महाराज ने आपका निष्कासन निरस्त कर दिया है। अरे वाह, धन्यवाद मंत्रीवर, बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए अब पालकी उठाइए, अब मैं दरबार में अवश्य जाऊंगा। पंडित रामकृष्ण की जय। 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 पंडित रामकृष्ण की जय।
ऐसा प्रपंच है। प्रपंच नहीं है महाराज, ये तो इन सभी का प्रेम है, सम्मान दे रहे हैं मुझे। आप यहाँ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं या हमारे साथ परिहास करने आए हैं, हमारा अपमान करने आए हैं? महाराज, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ। तो ये कैसा उत्तर हुआ? हम कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्णा, बात को स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए हमारा कि कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी। महाराज, अपराधी आप हैं। आप पंडित रामकृष्णा, हमारे संयम की परीक्षा मत लीजिए। आपको ज्ञात है कि आप क्या कर रहे हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु इस दरबार में आपके सहित जितने भी सभासद उपस्थित हैं, सभी अपराधी हैं, या यूं कहूं तो कोई भी अपराधी नहीं। इसे राज दरबार में लाकर उचित ही किया हमने, अब इसे निष्कासन नहीं प्राण दंड मिलेगा। अपना कथन सिद्ध कीजिए पंडित रामकृष्णा। महाराज, अपराधी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य सब करता है, आवश्यकता के कारण ही मनुष्य एक गधे को पिता तुल्य सम्मान देता है, और ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया। कैसे? महाराज, आपने अभी देखा कि आवश्यकता थी तो मुझे पालकी में बिठाकर मेरा गुणगान करते करते मुझे राज्यसभा में लाया गया है, मेरा स्वागत सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया। उसी प्रकार आपको अनुष्ठान में पुष्पों की आवश्यकता थी, रमन्ना को पुष्प वाली सावित्री की, सावित्री को निद्रा की, सरला को बैलगाड़ी वाले चंद्रैया की, चंद्रैया को अपने पुत्र के समीप रहने की, चंद्रैया की पत्नी को अपने मायके जाने की। अतः इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही ये सब हुआ। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी आपकी पंडित रामकृष्णा? आपके प्रति भक्ति और इस राज्य के प्रति कर्तव्य। इसी वजह से मैं निष्कासित होने के पश्चात भी राज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, ये तो सर्वविदित है कि प्राचीन काल से आज तक हम आवश्यकताओं के कारण ही उन्नति कर पाए हैं। पंडित रामकृष्णा, अभी आप कह रहे थे कि आवश्यकता ही अपराधी है, और अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता के कारण ही उन्नति हुई। जी गुरुवर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, फिर उसने बैलगाड़ियों और रथों का निर्माण किया, वनों में रहता था, फिर उसने सुरक्षा और विलासिता के लिए महलों और घरों का आविष्कार किया। कितनी शीतलता है यहाँ, इससे मुक्ति पाने के लिए इन वस्त्रों का निर्माण किया गया, महल को उष्म रखने के लिए आग जलाने का विचार आया। ये सब आवश्यकता की ही तो उपज है, और यही आवश्यकताएं दोषी भी हैं। तो यदि ये आवश्यकताएं दोषी नहीं, तो यहां उपस्थित कोई भी दोषी नहीं, और यही आपके प्रश्नों का उत्तर है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वाह पंडित रामकृष्ण, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। परंतु महाराज, कथनी और करनी में तो अंतर होता है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, यदि आवश्यकता ही सब कुछ है तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं। कटु है परंतु सत्य तो यही है गुरुवर। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता और विवशता के कारण इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्णा, कुछ भी कर सकता है? मैं भी एक बार फिर से कह रहा हूं गुरुवर, कुछ भी कर सकता है। अर्थात इस शीत ऋतु में मात्र एक छोटी में नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा हो सकता है।
बिना किसी सहारे के। यदि उसकी आवश्यकता और व्यवस्था अधिक होगी तो अवश्य खड़ा रहेगा। पंडित रामकृष्णा, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? हम गुरुवर के कथन से सहमत हैं। पंडित रामकृष्णा, आप अपनी बात सिद्ध करके बताइए। अवश्य महाराज, आप 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोषित कर दीजिए। जिसकी भी आवश्यकता और व्यवस्था होगी वो इस विषम कार्य को अवश्य करेगा। अनुमति है। सुनो 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 समस्त विजयनगर वासियों, सुनो, इस ऋतु में जो भी नगर निवासी मात्र एक वस्त्र धारण करके नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रहेगा, महाराज कृष्णदेव राय उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगे। शीतल लहर चल रही है, कोई मूर्खी होगा जो पूर्ण रात्रि शीतल जल में खड़ा रहेगा। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार है। अरे जीवित ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे? सत्य कह रही हो, संभव ही नहीं। शीतल जल में एक पहर कोई खड़ा नहीं रह सकता, पूरी रात क्या रहेगा? नहीं 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 अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुक जाइए। अरे जाने ना मेरे को, नहीं। अरे अम्मा, हमने आपसे कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। रुकिए अम्मा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, रुक जाइए। रामा तू ही बता, अम्मा को दाना दे कि नहीं? अम्मा, कहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो तुम? क्या जब से राज्य की ओर से की गई घोषणा सुनी है तब से अम्मा हट कर रही है कि किसी नदी के शीतल जल में जाकर पूरी रात्रि खड़ी रहेंगे और 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप बात कर रही हो अम्मा, पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा अवसर कौन हाथ से जाने देता है? अम्मा, बढ़िया है कि अवसर ही हाथ से जाने दो, अन्यथा जान हाथ से चली जाएगी। क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं होगा। होने को अब शेष बचा क्या है? पर तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? मैं हूँ ना। तू है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ा है। वृद्धा अवस्था की सुरक्षा के लिए। तेरा क्या भरोसा? तू तो कभी दरबार से निष्कासित हो जाता है, कभी कारावास में बंद कर दिया जाता है, और कभी तुझे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जाने दो, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा बहुत कम है। मैं उनसे कितनी घंटियां लूंगा? कितनी घंटियां लूंगा? वाह वाह, चुप चुप, बढ़ाया घंटियां लेने वाला। शारदा, एक काम करो, शीतल बर्फीला जल स्नान घर में तैयार करो, अम्मा अभी इसी समय स्नान करेंगी, ठीक है अम्मा? नालायक, अरे तू मुझे जीते जी मारना चाहता है? अभी तुम्हें शीतल जल से स्नान भी नहीं करना और यहाँ रात भर नदी के शीतल जल में खड़ी रहोगे तुम, वो भी इस शरद ऋतु में। अम्मा, तुम्हारी बची कुची हड्डियां भी गल जाएंगी शीतलता के कारण, ऐसे बर्फ की मूरत बनकर घर लौटोगी तुम। और फिर 10 सहस्त्र मुद्राओं का क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो।